और देखिए एक और बड़ी खबर है रांची से। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के क्लर्क दानिश से पूछताछ का सिलसिला जारी है। अभी भी दानिश से पूछताछ हो रही है, जेल में उसके फोन के इस्तेमाल के संबंध में उनसे पूछताछ हो रही है। कुछ कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर उनसे सवाल किए जा रहे हैं, कैदियों के पत्र डिस्पैच नहीं किए जा रहे को लेकर भी ईडी के अधिकारी जो है दानिश से पूछताछ कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि आज ईडी जो है जेल अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए उन्होंने समन जारी किया था, और ऐसे में आज क्लर्क से पूछताछ हो रही है और क्लर्क दानिश से पुलिस और साथ ही साथ ईडी के अधिकारी तमाम सवाल जवाब कर रहे हैं, और ऐसे में फोन के इस्तेमाल के संबंध में भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर भी उनसे सवाल पूछे गए हैं, और ये कैदियों के पत्र डिस्पैच नहीं किए जाने को लेकर भी ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। घंटों से देखिए जेल अधिकारियों से ईडी की पूछताछ जारी है, और ऐसे में आज क्लर्क से पूछताछ हो रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ गए। इमरान, देखिए बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के क्लर्क दानिश से ईडी अब भी पूछताछ कर रही है। कई ऐसे सवाल है जो ईडी के पास है और उनके जवाब उन्हें देना है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है अंदर खारे से? वापस अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जेल में फोन के इस्तेमाल पर ये संबंध में पूरे संबंध में पूछताछ हो रही है, और इसके पहले भी हमने देखा है कि होटवार जेल में फोन से लेकर के कई सवाल उन पर खड़े किए गए थे होटवार जेल पर, लेकिन अब वापस से ईडी ने ये समन जारी किया है जेल अधिकारियों को, और ऐसे में आज जो क्लर्क है दानिश उनसे पूछताछ हो रही है और दानिश से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। वो फोन के संबंध में है, वीआईपी ट्रीटमेंट्स को लेकर है, इन तमाम सवालों के जवाब ईडी पूछताछ के दौरान उनसे पूछ रही है। और देखिए हमारे साथ वापस से रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ गए। इमरान, देखिए क्लर्क दानिश से ईडी लगातार कई घंटों से पूछताछ कर रही है, फिलहाल अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए सेंट्रल जेल जो कि रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है, ऐसे में इस जेल के जो क्लर्क हैं मोहम्मद दानिश, उनसे ईडी के जो अधिकारी हैं वो कई सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इन पर आरोप है कि इनके मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो ईडी के गवाहों को प्रभावित करने के साथ साथ उसे डराने धमकाने सहित अन्य मामलों में इस्तेमाल किया गया था। कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिली है कि जो ईडी के द्वारा जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे सहित लेटर जो डिस्पैच किए जाते हैं उनको भी प्रभावित करने का आरोप है। इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर के ही क्लर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान ईडी जो है वो कई तीखे सवाल जो है वो मोहम्मद दानिश से पूछ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जब 10:30-11 बजे जैसे ही दानिश अपने निर्धारित समय पर ईडी कार्यालय पहुंचा, उसे एक कमरे में बैठाया गया, उसके बाद उनसे पूछताछ का यह जो सिलसिला है वो शुरू की गई है। तो एक तरह से कहें ईडी के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उन उसी कड़ी में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से जुड़े जो जानकारियां मिल रही थी उनमें जेल पर ईडी के अधिकारियों को जो छापेमारी की गई थी उस दौरान कई चीजें बरामद की गई थी। सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया था, कई लेटर जब्त किए गए थे, कुछ लेटर्स पे कुछ नंबर्स जब्त किए गए थे। इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो इन अधिकारियों के पास से निकालने की कोशिश ईडी कर रही है। आज की तारीख में मतलब आज 7 नवंबर था, आज क्लर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, 8 को जेलर को और 9 नवंबर को जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो लगातार अभी पूछताछ का जो सिलसिला है पिछले 3 दिनों तक अगले 3 दिनों तक ये जारी रहेगा। आज दानिश से पूछताछ हो रही है, कल जेलर और पुलिस जो जेल के अधीक्षक है उनसे भी पूछताछ होगी। बिल्कुल इमरान, तो देखिए अब भी दानिश से पूछताछ आ रही है, कई सवाल ईडी के पास है जिनका जवाब दानिश को देना है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।